सुबह सुबह लगी हो बारिश और साथ में मिल जाए गर्मा गर्म चाय और साथ में चिड़ियों की चहचहाट। आज ना मेरे किचन गार्डन का कुछ ऐसे ही माहौल बना हुआ है। कल रात से ही बारिश हो रही है और ऐसे लग रहा है कि फिर से सर्दियों ने ना दस्तखत दे दी हो। तो नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। और कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। वैसे तो गर्मियों की शुरुआत हो गई है लेकिन इस बारिश ने ना तो ऐसे लग रहा है कि फिर से जो है सर्दियों वाला माहौल बना दिया है। और मेरे किचन गार्डन और टेरेस गार्डन में ना नई नई कॉम्प्लें जो है वो आजकल आ रही है तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हरियाली हरियाली लग रही है, बहुत ज़्यादा फूल देखिए कितने सुंदर आ रहे हैं। आम के पेड़ में आ गई है बोर और इस बार बहुत ज़्यादा बोर इस पेड़ में आई है और साथ में चिड़ियों की जो चहचहाट है ना वो पूरा दिन यहाँ सुनने को मिलती है। ऐसे लगता है आसपास की सारी चिड़ियाँ ना यहाँ हमारे घर में डेरा जो है वो जमा के बैठी है, घर के अंदर भी आ जाती है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बैंगन का ऐसा भरता जिसमें बैंगन को हम भूनेंगे नहीं और बहुत जल्दी जो है ना भरता बन जाता है। बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ अब अंदर। तो जी बारिश तो जो है ना आज सुबह आई है और ये वीडियो शूट किया था मैंने एक दिन पहले का, तो जिसमें कि देखिए सूखा रूखा लग रहा है, यहाँ पे कोई बारिश वाला माहौल नहीं है। और देखिए गर्मियों की शुरुआत होते ही ना बैंगन फिर से जो है ना मेरे देखिए कितने बड़े बड़े जो है आने लग गए हैं। टेरेस गार्डन में भी बहुत सारे बैंगन देखिए अब शुरू हो गए हैं। ये बैंगन के पौधे मेरे पिछले साल के हैं, इस साल के तो मैंने अभी लगाए हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पर इनमें नॉन स्टॉप जो है ना एक साल से जो है ना सब्जियां जो है वो लग रही है। तो चलिए टेरेस पे चलते हैं। आ गई हूँ मैं अपनी छत में और देखिए छत में भी कितने अच्छे बैंगन। तो इसी पौधे से मैंने पता नहीं कितने वीडियो शेयर कर दिए होंगे हार्वेस्टिंग के, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और हार्वेस्ट तो हम करेंगे ही पर साथ में आपके साथ मैं बैंगन की जो रेसिपी है वो बिना भुने बैंगन का भरता की जो है ना वो शेयर करूँगी। तो चलिए पहले बैंगन निकाल देते हैं। और चैनल में अगर आप मेरे फर्स्ट बार विजिट कर रहे होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। शिमला मिर्च भी सर पड़ गया। ये टोकरी तो मेरी भर गई इसी में से निकल गई मेरी भिंडी, लाल वाली भी निकल गई। ये भी निकालनी है क्या? ये भी निकाल दी निकल के देवी यही हो रहे। ये कच्ची है ये। इस वाले देखिए मैंने इतने सारे बैंगन हार्वेस्ट करे हैं और अब इसका बैंगन का भरता बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर और इसमें देखिए इस तरह से कट करके हम डाल देंगे, बड़े बड़े पीस डालेंगे। और मैं सोचती हूँ ना कि ये बैंगन बहुत बड़े हो गए हैं, मैं फटाफट से हार्वेस्ट कर लेती हूँ नहीं तो पक जाएंगे यानी कि बीज वाले हो जाएंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े हो गए हैं फिर भी इनमें बीज नहीं होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि और कितने बड़े होंगे। मैंने ना एक बार नहीं बहुत बार ऐसे ट्राई किया है कि बड़े होने दिए अब निकाल लेती हूँ शायद पक जाएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मैंने आज तक जो है ना इस वाले प्लांट में
या बैंगन में बिल्कुल भी बीज नहीं देखा, तो बिल्कुल सॉफ्ट वाले बैंगन है तो बीज बने भी नहीं थे अभी, तो सोच रही हूँ कि और कितने बड़े जो है इसका साइज़ जाएगा। सिंपल से देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए हैं, और फिर भी कट होने के बाद देखिए मेरी एक सब्ज़ी बच रही है, और इसमें अब हम डालेंगे पानी और सिंपल उबालेंगे फटाफट से इसको। तो 2 कप मैंने भर के नहीं डाले हैं, आधा आधा ही डाला है क्योंकि छोटा कुकर है, तो बैंगन की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी हमने डालना है, और इसमें 2 सीटियाँ लगा लेंगे। जितनी देर इनमें सीटी आ रही थी उतनी देर में मैंने अपने प्याज और लहसुन को कट कर लिया है। अब इनको हम देखिए मैश करेंगे, और कढ़ाई मैंने रख ली है, तड़का इसमें लगाएंगे। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है सरसों का तेल, और जीरा इसमें ऐड करेंगे, हींग इसमें ज़रूर मैंने ऐड किया था, साथ में अब डाल देंगे अपने प्याज। बहुत ही सुंदर मिठू है। तो जी बिना भुने हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार है। बैंगन जो भरते वाले होते हैं ना, आप उसका भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने ही गार्डन का हरा हरा धनिया, और जो खुशबू आ रही थी ना वो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छी खुशबू जो है ऐसे आ रही थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।